बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अली कामरान काजमी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वक्त तकरीबन रात का 1 बज रहे और कराची के अंदर जाहिर सी बात है इतनी जल्दी सोने का रिवाज भी नहीं है, जबकि कल छुट्टी भी हो। और क्या कहते हैं, वैसे ही रमजान चल रहे हैं तो अब 3 बजे वैसे ही सहरी के लिए उठना था, तो मैंने कहा चले एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना लेता हूँ। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने, जैसे ही मैंने छोटा कारोबार बेरोजगार स्कीम की वीडियो अपलोड की है, बहुत सारे लोग मुझे जीमेल के ऊपर डेटा भेज रहे हैं या वीडियोज के नीचे कॉमेंट्स कर रहे हैं। तो देखें भाई, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी तो मैं किसी का भी डेटा नहीं डाल सकूंगा छोटा कारोबार स्कीम के अंदर। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर पूरा डेटा चाहिए होता है। तो कल मैं 6 बजे, शाम में 6 बजे मैं ऑनलाइन होऊंगा अपने दूसरे चैनल से। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ और कमेंट सेक्शन में भी दे देता हूँ। वहां से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल जब शाम में 6 बजे मैं ऑनलाइन होऊंगा तो जो सबसे पहले उसके नीचे कॉमेंट्स करेगा, ठीक है, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और अपना जो डेटा चाहिए हुआ करेगा रिक्वायर्ड, वो मैं फौरन पूछा करूंगा। उसी वक्त वो मुझे बताता रहे, मैं अपलोड करता रहूंगा। कल शाम 6 बजे मैं जो है वो अपने चैनल के ऊपर लाइव आऊंगा। मैं उसका डिस्क्रिप्शन में नीचे दे देता हूँ। और दूसरी बात, जैसे मैंने वीडियो अपलोड की, बहुत सारे लोग देखें, एक बात मैं आपको बता दूं कि वा तो इज्जो मंतशा वा तो जिल्लो मंतशा। अगर अल्लाह चाहे जिसको चाहे इज्जत दे, अगर कोई अल्लाह ताला किसी को इज्जत देगा तो लोगों के कुछ करने से उसकी इज्जत घटेगी नहीं। अगर अल्लाह ताला किसी को बेइज्जत करना चाहेगा तो लोगों के इज्जत देने से उसकी इज्जत बढ़ेगी नहीं। भाई, अभी मैंने एक वीडियो अपलोड की है छोटा कारोबार की। कुछ दोस्त मुझे कह रहे हैं अली भाई ये तो लिंक ही फेक है। अरे अल्लाह के बंदो, गवर्नमेंट GOV.PK लिखा हुआ है यार, पूरा फॉर्म खुल गया। तुम लोग पता नहीं क्या चीज हो भाई। अगर वैसे अपने चैनल के ऊपर बुला रहे, वैसे ही किसी को बुला लो ना। अगर कोई आपके चैनल के ऊपर नहीं आना चाह रहा तो इसमें मेरा क्या कसूर है भाई। वीडियो के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, कॉन्टेंट के ऊपर फोकस करें। ऐसी चीप हरकत करने से कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। जो भी चीज होती है वो बिल्कुल लाइव होती है। खुदा ना खास्ता मैं फेक वीडियो बनाता हूँ ना मैं फेक कंटेंट बनाता हूँ, ठीक है ना। और ये तो खुलम खुला बात है भाई, सबको, मेरे पुराने व्यूअर्स को सबको पता है, मैं जो चीज भी बनाता हूँ बिल्कुल एक्यूरेट और बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन के साथ बनाता हूँ। तो अगर आपके चैनल के ऊपर वैसे ही आपको ट्रैफिक चाहिए तो कॉन्टेंट अच्छा करें। ऐसी हरकत मत किया करें कि किसी और बंदे की दिल आजारी हो या जो मेहनत करके काम लेकर सामने आ रहा है उसकी दिल आजारी हो, ठीक है ना। और मेरे तमाम सब्सक्राइबर से यही रिक्वेस्ट है कि भाई जो जो अपना नाम इसके अंदर डाल लें, अगर उनके नजदीक कोई और नीडी पीपल्स हो उनकी हेल्प कर दें, वरना तो मेरे चैनल के ऊपर जिसको समझ में ना आ रही हो मेरे चैनल के ऊपर आ जाए। अच्छा, देखें इसके अंदर कौन लोग अप्लाई ना करें, यह चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों ने भाई सवालात पूछना शुरू कर दिए हैं। देखें, जिनको एहसास कैश के तहत 12,000 रुपए मिल चुके हैं वो तो इसमें अप्लाई नहीं करें क्योंकि उनका नाम नहीं आएगा। जब वो एक दफा हुकूमत की एक इमदाद से मुस्तफीद हो चुके हैं तो अब ये दोबारा उससे मुस्तफीद ना हो क्योंकि उनको हुकूमत देगी नहीं। अच्छा, जो जांच पड़ताल के अंदर है वो 2-3 पेंडिंग में रुक जाए, 2-3 दिन, अगर पेंडिंग, फिर उसके बाद वहां से जांच पड़ताल में से उनका ना हेल में नाम आ जाते फिर वो इसमें अप्लाई कर दें। और अगर वो नहीं रुकना चाहे तो वो बेशक अप्लाई कर भी दें, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि अगर उनका अहल में नाम आ गया एहसास प्रोग्राम के अंदर तो यहां से ऑटोमेटिकली उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि ये 60 लाख अपराध वो होंगे जो कि बेरोजगार हुए हैं ड्यूरिंग कोविड, ठीक है ना। तो वो इसके अंदर जो बेरोजगार हो चुके हैं तो जब 12,000 रुपए की एक दफा उनको इमदाद मिली गई होगी तो उनको अब दोबारा नहीं मिलेगी। या वो लोग जो कि जिनको इंसान इमदाद प्रोग्राम के तहत अभी नेक्स्ट वीक के अंदर पैसे मिलने वाले हैं वो भी इसमें अप्लाई ना करें, उनको भी नहीं मिलेंगे। चाहे वो बीवी हो, बेटा हो या शोहर हो, अगर उनमें से फैमिली मेंबर्स में किसी एक को भी मिल चुके हैं तो वो इसमें अप्लाई ना करें। और उसके अलावा मैंने एक और शराइत की पूरी वीडियो ऑलरेडी बनाई चुका हूं, वो आप लोग चेक कर लें तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। इंशाल्लाह ताला कल मैं दोबारा आप लोगों से शाम में 6 बजे मुलाकात होगी। जो लोग रजिस्ट्रेशन में जिनको मसला आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं लाइव आके या इस टॉपिक के हवाले से भी बात कर सकते हैं। कल मजीद मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा और इंशाल्लाह ताला आप लोगों को गाइड करने का सिलसिला जारी रहेगा। एप्स जो मैंने एप्स के ऊपर जो वीडियो डाली है वो बहुत जबरदस्त इंटरेस्टेड वीडियोज हैं, कमाने के बिल्कुल सिंपल मेथड्स हैं, उनको भी देखें आप लोग, ठीक है। ये गवर्नमेंट की स्कीमें तो चलती रहती है, ये थोड़ी सी लंबी होती है, लेंदी टाइम लेती है भाई, इसमें टाइम लगेगा। बाकी जो कमाने के जो जराए हैं वो मुख्तलिफ हैं, वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि किस तरीके से आप थोड़ी थोड़ी देर काम करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं और अपने जो फाइनेंशियल जो एक्सपेंसेस हैं उनको बेहतर कर सकते हैं। तो उन वीडियोस को देखें, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह ताला वैसे ही 1-1.5 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद सहरी का टाइम हो जाएगा और सहरी के अंदर जो दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। तो मुझे अपनी दुआओं में लाजमी याद रखें। अल्लाह ताला सबकी मदद करे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।